लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी और पहली सूची जारी होने के साथ ही एक सांसद जो कि बाराबंकी के थे उनको दोबारा टिकट मिला था, लेकिन सांसद जी की ये खुशी 24 घंटे में ही काफूर हो गई क्योंकि एक ऐसा वीडियो सामने आ गया जिसके बाद राजनीति में हड़कंप मच गया। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस पूरे वीडियो की चर्चा है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशियों की जो सूची आई थी उसमें बाराबंकी जिले की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। दरअसल बीजेपी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत पर एक बार फिर से बीजेपी ने दांव लगाया। उनके नाम का ऐलान हुआ ही था कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा जिसने लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले की राजनीति को हिला कर रख दिया है। और ये वीडियो ऐसा है जिसको देखकर हर व्यक्ति उपेंद्र रावत से सवाल कर रहा है कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है, लेकिन उपेंद्र रावत ने इसे फर्जी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि AI से इसको जनरेट किया गया है और उनकी राजनीतिक छवि बिगाड़ने और उनका टिकट कटवाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। दरअसल व्हाट्सएप से लेकर के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विदेशी युवती के साथ वो आपत्तिजनक स्थिति में नजर आ रहे हैं। कथित तौर पर उन्हें सांसद उपेंद्र रावत बताया जा रहा है। हालांकि सांसद की तरफ से इस वीडियो को फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से एडिट किया हुआ बताया जा रहा है। उनकी तरफ से इस मामले में बाकायदा बाराबंकी कोतवाली में एक तहरीर दी गई है और उसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चर्चा यह है कि सांसद को दिल्ली तक तलब कर लिया गया है और उनकी उम्मीदवारी पर संकट के बादल छा गए हैं, यानी उनका टिकट मुश्किल में पड़ सकता है। बीजेपी सांसद उपेंद्र रावत को ये दोबारा टिकट मिला था, लेकिन ये टिकट मिलने के 24 घंटे के अंदर ही उनका वीडियो सामने आ गया जिसके बाद निजी सचिव दिनेश रावत ने सांसद की राजनीतिक छवि खराब किए जाने की साजिश रचने का और इसको लेकर के नगर कोतवाली में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। निजी सचिव का कहना है कि एडिटेड वीडियो को प्रसारित किया जा रहा है और छवि खराब की जा रही है। आपको बता दें कि तेजी से बाराबंकी से निकला हुआ वीडियो दिल्ली तक पहुंच चुका है और दिल्ली से लेकर लखनऊ से लेकर बाराबंकी तक एक दूसरे को ले शेयर कर रहे हैं और तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। प्रसारित वीडियो में सांसद अलग अलग तिथियों में अलग अलग होटल के कमरों में बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विदेशी युवती के साथ इस वायरल वीडियो में बाकायदा कथित तौर पर शराब तक पीते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा इसमें टाइमिंग तक वीडियो में नजर आ रही है। इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी CCTV कैमरे से इसको रिकॉर्ड किया गया है जिसमें डेट और टाइमिंग नजर आ रही है। एक वीडियो में बाकायदा गाने की आवाज तक आ रही है जिससे लगता है कि कोई ऐसा स्थान है जहां मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है और वहीं पर ये वीडियो शूट किया गया हो या बनाया गया हो, जो भी वजह हो लेकिन सांसद की छवि खराब हो रही है। इसको लेकर के तमाम लोगों ने मीडिया ने उपेंद्र रावत से बात करने की कोशिश की लेकिन उनका रिएक्शन सामने नहीं आया। लेकिन उनके निजी प्रतिनिधि ने यह कह दिया है कि ये वीडियो एडिटेड है, ये छवि खराब करने के लिए बनाया गया है, इसीलिए वो FIR करा रहे हैं। उन्होंने तहरीर दे दी और पुलिस ने FIR तक भी दर्ज कर ली। पुलिस के मुताबिक इस मामले की जाँच की जा रही है और जाँच के बाद जो भी व्यक्ति सामने आएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। कोतवाल अजय कुमार त्रिपाठी का कहना है कि IT एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है और दूसरी तरफ बीजेपी ने इसको लेकर के राजनीतिक षड्यंत्र बता दिया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मौर्य ने कहा कि वीडियो वायरल किया जाना सांसद उपेंद्र सिंह रावत के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र है। दोबारा टिकट मिलने से विपक्षी और तमाम उनके प्रतिद्वंदी बौखला गए हैं, इसीलिए उन्होंने षड्यंत्र के तहत जिले में उनकी इमेज खराब करने के लिए ये वीडियो वायरल किया गया है जिसका जवाब जिले की जनता जल्द ही देगी। बच्चा बच्चा सांसद के काम और व्यवहार से परिचित है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।